Hey guys, welcome to Penn Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. I am making the Dentistry very easy way with tips and tricks to learn and grasp it very easy way. So keep watching Penn Dentistry, like, subscribe, comment your topic which you want to learn, and hit the bell icon for the latest upcoming videos which I am going to upload it.

इनका ये प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है टॉक्सिक ये कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने के टॉक्सिसिटी इन बॉडी तो बैसिलस एंथ्रिक्स क्या करता है टॉक्सिसिटी बॉडी में प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से डिजीज होती है एंथ्रिक्स और ये मोस्टली कहाँ फाउंड होता है मोस्टली ये कैटल्स में होता है कैटल्स में होता है और उन पीपल को अफेक्ट करता है जो हैंडल करते हैं काकस काकस क्या है डेड एनिमल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी डेड एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं काकस अगर डेड एनिमल को पीपल हैंडल कर रहा है या फिर वूल वूल की प्रोडक्शन हो रही है शीप से तो वो एक एनिमल बेस्ड है और हाइड्स हाइड्स क्या होता है स्किन ऑफ एनिमल्स अगर स्किन जो कोई डीलर है या फिर वो पर्सन अगर हाइट्स को हैंडल कर रहा है स्किन उसकी हैंडल कर रहा है अपने हाथ से तो उन लोगों को होगा ये एंथ्रेक्स डिज़ीज़ तो मोस्टली ये कैटल रीजन में फ़ाउंड होता है कैटल एरियाज में फाउंड होता है जैसे कि डेड स्किन में वूल्स में या फिर हाइट्स में हाइट्स मीन स्किन ऑफ एनिमल और पीपल्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं फार्मर फार्मर किस में इन्वॉल्व होगा ये वूल क्रिएशन में इन्वॉल्व होगा वूल जो भी शीप का वूल है उसका प्रोडक्शन करेगा ये तो फार्मर इसमें इन्वॉल्व होगा बच्चर्स बच्चर्स कौन होते हैं जो मीट को जो मीट कटिंग करते हैं स्लटरिंग करते, करते हैं उनको बोलते हैं बच्च मीट कटिंग वाले को और डीलर जो होंगे वूल या फिर हाइड्स के जो डीलिंग करते हैं वूल और हाइट्स के इसमें उनको होगा ये एंथ्रिक्स डिजीज़ मीन्स हो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो डेड स्किन या वूल्स या डेड एनिमल के नियर अराउंड काम करते होंगे वो सब पीपल लोग को एंथ्रिक्स डिजीज़ होगा उनके अंदर क्या प्रोडक्शन होता है बैसिलस एंथ्रिक्स जो क्रिएट करता है एंथ्रिक्स डिजीज़ अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है इस डिजीज का अब क्लिनिकल फीचर्स ये है कि ये डिजीज तीन टाइप्स में होती है पहला टाइप है कि क्यूटेनियस टाइप होगा सेकेंड टाइप है एलिमेंट्री टाइप होगा एंड लास्ट वन टाइप है पल्मोनरी टाइप अब पहला हम देखेंगे क्यूटेनियस टाइप क्यूटेनियस टाइप में क्या होता है ये थ्री से फोर डेज इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है इनक्यूबेशन पीरियड मैं दूसरी पेन ले लेती हूँ इनक्यूबेशन पीरियड थ्री से फोर डेज में ये डिजीज हो जाती है डिजीज होने के बाद क्या होता है उधर इचिंग होगी कौन से कौन से रीजन में इचिंग होगी हैंड्स में फोर आर्म में और फेस में इचिंग होगी इर्दमेटिस रेडनेस हो जाएगा और पेप्यूल्स बन जाएंगे हल्का हार्डनिंग हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगा पेप्यूल्स मीन्स स्वेलिंग विथ एलिवेशन इचिंग होगी इर्दमेटिस पेप्यूल्स बनेंगे कहाँ कहाँ पे हैंड्स में में और फेस में जब पेप्यूल्स फर्दर अपना एक ब्लैक डिस्चार्ज रिलीज करेंगे ब्लैक स्लज रिलीज करेंगे तो एरिया को हम बोलेंगे मैलेग्नेट पस् जब आपका ब्लैक स्लज रिलीज होगा और मैलेग्नेट पेस्ट्यूल में क्या होगा लीजन के अराउंड व साइकल फॉर्म हो जाएंगे तो उस टाइम पे हम बोलेंगे मेलेग्नेट पॉस्ट्यूल फॉर्मेशन हो गया है मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये डिजीज़ सेल्फ लिमिटिंग होती है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है वो आपकी खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगी विदाउट योर ट्रीटमेंट ओके तो ये क्यूटेनियस टाइप है अब हम जाएंगे एलिमेंट्री टाइप एलिमेंट्री टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे इंजेशन होता है स्पोर्स का स्पोर्स का इंजेक्शन मीन्स आप इंजेक्शन इंजेस्ट ingest कर लेंगे खा लेंगे स्पोर्स को जब स्पोर्स फॉर्मिंग एरोबिक रॉड्स आप उसके खा लेंगे तब आपको गैस्ट्रो होगा गैस्ट्रो के अंदर क्या क्या आता है वॉमिटिंग ओके एब्डोमिनल पेन होगा वॉमिटिंग होगी और डायरिया होगा कभी कभी ये होता है कि पेशेंट को हिमाटाइसिस हो जाता है हिमाटाइसिस मींस जब पेशेंट ब्लड की वॉमिटिंग करेगा तो उसको हिमाटाइसिस बोलते हैं हिमाटेमास फिर जाएंगे हम पल्मोनरी टाइप में पल्मोनरी टाइप में क्या होता है इसको बोलते हैं सॉर्टेड डिजीज जब इनहेलेशन होगा पल्मोनरी मींस आपका इनहेलेशन पल्मोनरी ट्रैक का डिजीज़ इन्वॉल्व होगा इन्हीशन होगा जब आप स्पोर्स इनहेल कर लेंगे यहाँ पे एलिमेंट्री में क्या था कि स्पोर्स को हम इन्जस्ट कर रहे थे पल्मोनरी में क्या है कि स्पोर्स को हम इनहेल कर रहे हैं नोज़ तो उधर क्या होगा क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे कफ फीवर होगा रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट हो जाएगा ये तीन चीजें होंगी इसका इन सारे क्लिनिकल फीचर्स का आपको ट्रीटमेंट क्या करना है ओनली सिंगल ट्रीटमेंट है इसका ओरली या फिर इंजेक्शन इंजेक्टेबल आपको पेनिसिलिन देना है इसी इसमें ट्रीटमेंट ये है फॉर टू वीक्स टू वीक्स तक आप पेशेंट को पेनिसिलिन देंगे पेनिसिलिन मेडिसिन के ऊपर रखेंगे आप आप उसे ओरली भी पेनिसिलिन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर इंजेक्शन से दे सकते हैं ठीक है तो ये था एंथ्रेक्स डिजीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अपना टॉपिक जो भी आपको चाहिए टू लर्न एंड आई एम मेकिंग देंटिस्ट्री वेरी इजी फॉर यू कीप वॉचिंग हिस्ट्री it motivates me for making more and more videos for you that you learn each and every topic in a an easy and better way share this video you to your friends and your batchmates for easy learning and better understanding thanks for watching pen dentistry